हमीरपुर जिले में हुई व्यापक वर्षा से आम की बंपर फसल होने की उम्मीद है। हालांकि आम के पेड़ों में फूलों पर कालापन आने से बागवान चिंतित है, लेकिन बागवानी विभाग ने उन्हें आवश्यक छिड़काव करने की सलाह दी है। जिले में इस बार विभाग ने किसानों को आम के 20,000 पौधे वितरित किए हैं और पिछले दिनों हुई वर्षा नए पौधों के लिए लाभप्रद है। बागवानी उपनिदेशक राजेश्वर परमार ने बागवानों को फूलों पर कालापन दूर करने के लिए सल्फर का छिड़काव करने को कहा है। पेड़ लगाए आम के, उसमें जो काले काले आ गए अंगूर पर, तो उससे हमारा भी नुकसान हुआ है। अगर विभाग बताए हमें किस नुकसान से कैसे बचना है। आम का ऑन ईयर है तो अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, और इस बारिश से जो हमने सर्दियों में जो पौधे लगाए थे, लगभग 20,000 के करीब पौधे जो है बागवानों को वितरित किए हैं, और इस बारिश की वजह से वो, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो सारे के सारे फार्मर फील्ड में सर्वाइव करें। थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है कि जो आम के ऊपर फूल आया हो उसमें कालापन जो एक फफूंद के कारण होता है, तो मैं बागवानों से अनुरोध करूँगा कि अगर सल्फर या हेक्साकोनाजोल की एक स्प्रे कर दें तो वो उस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। लेकिन जो बारिश हुई है इससे अच्छी पैदावार होने की वजह